वरीशा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था कि यूनिवर्सिटी में कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है तो आज ऑफ करोगी। हाँ तो किसने कहा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ? कहाँ जा रही हो बताओ तो सही। जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ से आके बता दूंगी। ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, मुझे जाना लेट हो रही है। बाय बाय। एक तो इस लड़की के ना मिजाज की मुझे समझ नहीं आती। कोई समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है। हमारा हर ऑर्डर लेट क्यों हो रहा है? हमारी कंपनी की एक साख है कि आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मेरी टीम एक नाअहल टीम है। मैं यहाँ लाखों रुपए की मद में तनख्वाही दे रहा हूँ, क्या हासिल है मुझे? बात दरअसल ये सर, जब वहा साहब यहाँ थे तो अपने सामने वर्कर से सारा काम करवाते। और जब ऑर्डर जाने होते थे सर तो वो आधी रात तक यहाँ मौजूद होते थे। अब वो नहीं है तो वर्कर्स भी लापरवाह हो गए। तो मैं यहाँ छक मारा, मैंने सालों दिए इस कंपनी की साख को बनाने के लिए। अब अगर कल को वहाज नहीं होगा तो मुझे ये कंपनी बंद कर देनी चाहिए। आप ये कहना चाहते? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रहा था कि वहाज साहब। क्या वहाज साहब? वहाज साहब क्या? वहाज साहब के चले जाने के बाद यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो इस कंपनी को संभाल सके, इसको चला सके। है कोई ऐसा? मैं हूँ। बड़े बाबा आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं सारे मामला संभालूंगी, मैं सब कुछ देख लूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। जब आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं भी क्यों आपका साथ छोड़ूंगी। और आप लोग प्लीज जाइए और 1 घंटे में मीटिंग की कॉल दे दीजिए, मैं सबसे मिलना चाहूंगी। थैंक यू। अगर आपके बेटे ने आपके साथ वफा नहीं की तो क्या हो गया बड़े बाबा? मैं हूं ना, मैं तो आपके साथ वफादार हूं। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल परेशान हो। थैंक यू। जी बाबा जान, मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन एक्चुअली हम अपनी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो अपने रजा को सौंपी है। अगर हम वो जफर को दे दें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दिल लगाकर काम करेगा और दोबारा से अपने पांव जमा लेगा। लेकिन इस सब के लिए रजा का रजामंद होना बहुत जरूरी है। क्यों रजा? मेरा क्या ख्याल है? देखो, तुम मेरे साथ ही काम कर रहे हो और करते रहोगे इंशाल्लाह, तुम्हें आगे भी मौके मिल जाएंगे। लेकिन जफर इस वक्त बहुत परेशानी में। बाबूजान, इससे बेहतर और कोई तरीका हो भी नहीं सकता, और कोई भी भाई अपनी बहन को मुश्किल में नहीं देख सकता। उतार भाई ने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर। ये सब चीज मुझे पता है कि इस सब को एक दिन में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस काम को संभाल लोगी। थैंक यू मुझ पे यकीन करने के लिए बड़े बाबा। अब बेफिक्र रहिए, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको जल्द से जल्द सीख लूं और आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकूं। You know, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी ना तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। सर, वो तमाम स्टाफ बोर्ड रूम में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, आप लोग चलो, हम आते हैं। जी सर। चलें, चल के देखते हैं फिर। चल।
आप सब लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि क्यों मैंने अचानक से मीटिंग कॉल की, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मैंने अपनी कंपनी के मिसिंग पजल को पूरा कर लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कंप्लीशन हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएगी। आप सब लोग काफी अरसे से इजहार एंड को के साथ, और आप सबको इस बात का अंदाजा भी है कि इस कंपनी में मेरे भाई की कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, और आज हम जिस जगह पर हैं, मेरा बिलीव है कि उसमें मेरे भाई का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो प्लीज मैं आप सबसे कहूंगा कि आप मेरे मरहूम भाई की बेटी वरीशा रजा अहमद को इस कंपनी में वेलकम कहें। दिलावर साहब, जितनी भी कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हैं, आप उन सब की जो है ना वो एक मीटअप रखें वरीशा के साथ, क्योंकि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट आज वरीशा हेड करेगी। अरे बाबा, मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी डाल दी है मुझ पर, मैं कैसे करूँ ये सब कुछ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है तुम पर। तुम रजा अहमद की बेटी हो, कभी भी मेरा सर झुकने नहीं दूंगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप में से किसी की तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले, और जितना हो सके आपने वरीशा के साथ कोऑपरेट करना है। ठीक, थैंक यू सो मच। मैं कुछ नहीं जानता, आज ही के आज मुझे लोकेशन लॉक करनी है ऑफिस की। आप जो कुछ भी करें मुझे रिपोर्ट लाकर दीजिए उसकी। सर अभी फौरी तौर पर कैसे मुमकिन है? क्या मतलब कैसे मुमकिन है, क्या प्रॉब्लम है? सर सारी चीजें आपके सामने हैं, हम जितनी भी लोकेशंस अभी तक देख चुके हैं वो हमारी रेंज से बाहर हैं। सिर्फ एक टावर में फ्लोर अवेलेबल है जिसमें पार्किंग इशू है। ठीक है, आप अभी डीलर को कॉल करें, टावर का वो जो फ्लोर है उसे फौरन बुक करते हैं, और पार्किंग के जो भी इश्यूज हैं उसे सॉर्ट आउट करें। आई वॉन्ट दिस टू बी डन बाय इवनिंग, गॉट इट? ओके सर। तो सर आप वरीशा का केबल तैयार करवाइए, और वरीशा आप डिस्कस कर लो मुदस्सर से आपको वर्क प्लेस कैसा चाहिए। मुदस्सर मैं तो कहता हूँ किसी अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर से बात करो और वरीशा के लिए केबल तैयार करवाओ, क्या ख्याल? बड़े बाबा मुझे नया ऑफिस नहीं चाहिए। क्या मतलब क्यों नहीं चाहिए भाई, तुम हमारी मार्केटिंग हेड हो, होना चाहिए। Yes, thank you, but is that possible के जिस ऑफिस में मेरे बाबा बैठते थे मुझे वो ऑफिस मिल जाए प्लीज? वरीशा बेटा वो ऑफिस तो बाहर के इस्तेमाल में है। इनफैक्ट वो पूरा फ्लोर ही उसकी कंपनी के पास है, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मगर वहाद साहब और उनकी कंपनी यहाँ से शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हो? जी सर, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। कहाँ शिफ्ट हो? टावर पे कोई फ्लोर उन्होंने रेंट पर लिया है, डील आज लॉक हो जाएगी। Mostly they will like shifting from tomorrow. सर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात कीजिए, मुझे वो फ्लोर वापस है।
खास वाबस्तगी है मेरी उसके साथ। जी सर, ठीक है, मैं करता हूँ। वहां से भी बात कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेरी मीटिंग अलाइंस है। मिस्टर बहाज, अब तुम देखते जाओ तुम्हें बड़े बाबा की जिंदगी से कैसे मैं दूध में से मक्खी की तरह निकालती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। परीक्षा बेटा, आप इन लोगों के साथ मीटिंग्स कर लो, मेरी एक दो अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं जरा वो देख लूं, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस, फिर करते हैं मुलाकात। बड़े बाबा, मैं जानती हूँ वहाज का यूं आपको अकेले छोड़ के जाने का फैसला सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा ना। उसका आपको अकेले छोड़ के जाना, ये बात आपको दुख दे रही है ना। लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बल्कि आप क्यों समझे कि सालों बाद आपका चहिता भाई रजा आपके सामने खड़ा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी तुम साथ हो ना तो मुझे रजा के होने का एहसास हो रहा, परसों बाद उसकी खुशबू महसूस कर रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेटा? ठीक। आज तक वैसे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने अपनी कोई बात या अपनी कोई खुशी शेयर ना की हो, आज कैसे? आज तक तो वो सब भी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ किसी का भी कोई बात करने का। शिफा ने बात की, आपने बात की, लेकिन बाबा ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। मैं कितनी मुश्किलों से इस सिचुएशन से बाहर निकला था, लेकिन शायद वो चाहते हैं मैं ये सब कुछ भूलू ही नहीं। फिर से मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया उन्होंने। आज क्या हो गया बेटा, ऐसे कैसे सोच सकते अपने बाबा के बारे में? तुम्हें बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते थे, लेकिन आज उन्होंने मेरी जगह वरीशा को दे दी। पहले मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था, लेकिन आज उन्होंने वरीशा को अपना हम कदम बना लिया। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझी नहीं हूं बेटा। मतलब यह कि वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मेरे लाख मना करने के बावजूद बाबा ने आज मेरी आंखों के सामने उसे ऑफिस ज्वाइन करवा दिया है। क्या मतलब है बेटा, ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकती है वो? उसको तो कुछ पता भी नहीं है, उसे क्या अकल है बिजनेस की। और तुम्हें पता है वो तो अपने हवासों में नहीं रहती, इतनी हाई डोज मेडिकेशन पे है वो। हकीकत जो भी हो, लेकिन वो मेरी जगह ले चुकी है। देखो महाज, मेरे और तुम्हारे बाबा के होते हुए तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वरीशा ने अगर आज ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो इसका मतलब है महमूद ने ज्वाइन कर लिया। अब वो सब वो काम उससे करवाएगा जो वो खुद नहीं कर पाया,
आज तुमने अपने पापा का साथ नहीं छोड़ना। यही वक्त है कि तुम्हें अपने पापा का साथ देना है बेटा, वरना तुम यकीन जानो महमूद सब कुछ छीन लेगा तुम्हारे पापा से। अगर ऐसा है तो समझिए महमूद ने सब कुछ छीन लिया। पर ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा जो करना चाहते हैं वो कर ले, क्योंकि मैं इस ऑफिस से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। नहीं वहाज, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। ये वक्त है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है। तुम्हें वरीशा पे नजर रखनी है, ऑफिस के सारे मामलात पर नजर रखनी होगी बेटा। देखो बेटा, एक बात याद रखना कि ये जो मकाम है ना, कि तुम्हारे बाप दादा ने बहुत मेहनत से हासिल की है, इसे इस तरह किसी की झोली में नहीं डाल सकते। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चची और वरीशा का असल चेहरा सबके सामने लेकर आना चाहता था। लेकिन शायद बाबा ऐसा नहीं चाहते, और अब जब वो अपने हाथों से अपना सब कुछ लुटा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ वरीशा पर उनका अंधा भरोसा है। लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम इस खानदान के लिए वो मजबूत जंजीर बन जाओ जो हमेशा इस खानदान को बांधे रखे, कभी बिखरने ना दे। तुमने अपनी जहानत से सामने वाले को मात देनी है बेटा। तुम समझ रहे हो ना, तुम ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ोगे। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा आज। ठीक है मां। बहाज, हेलो, क्या हो गया मुख्तार को? एक बात मानोगी, ऑफिस वापस चली जाओ। मैंने ही तुम्हें मना किया था ना जाने से, तो मैं ही कह रहा हूं कि चली जाओ। तेरा अमल उल्टा हो गया है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैंने बस, सब जानता हूं। कुछ भी हो जाए उसके सामने मत आना, क्योंकि अगर तू उसके सामने आई तो वो तुझे पहचान लेगा। कहाँ गई थी तुम? जहाँ आप गई थी। हाय डैड, गेस करें कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त? वही जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। यू नो वॉट, यू हैव नो आइडिया। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बड़े बाबा के ऑफिस रूम की इतनी कूल वाइब होगी। जस्ट लुक एट दिस।
चेक करें। है ना? आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेटा। ये कुर्सी, ये मुकाम तुम्हारा बर्थ राइट है, जिसे मुख्तार और वहाज ने जानबूझकर तुम्हें दूर रखा। आपको पता है, जब वहाज ने मुझे बड़े बाबा के साथ देखा तो उसके फेस पर जेलसी वाजे थी। मुझे उस वक्त बहुत खुश हुआ, बहुत सुकून महसूस हुआ। वहाज एक बहुत ही खतरनाक और शातिर लड़का है। कोशिश करना कि उससे तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत कम हो। तुम्हें बहुत मोहतात रहना है और बहुत संभल कर खेलना है, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। Don't worry about him. उसका आज आखिरी दिन है। कल से वो ऑफिस से जा रहा है। I think उसकी कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसीलिए इस बिल्डिंग में वो फ्लोर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। So that's a good news for us. वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि मुख्तार की कंपनी के और वहाज की कंपनी के अकाउंट्स बुक अब अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? जब मुख्तार अहमद का तुम मुकम्मल एतमाद जीत लोगी ना, तो तुम्हारी किसी भी ट्रांजैक्शन पर मुख्तार तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और वहाज से मैं डर था, उसका रास्ता अलग हो गया। और जब बुक्स अलग होंगी तो वहाज को खबर ही नहीं होगी। इसका मतलब ये, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बेफिक्र रहें, अब से बड़े बाबा और वहाज के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। उस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। छोटा मत सोचो बेटा, बड़ा सोचो। तुम इस फ्लोर पर राज करने नहीं आई हो, बल्कि पूरी कंपनी पर राज करने आई हो, इजहार एंड कंपनी पर। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये वही जगह है। तुम इस वक्त वही मौजूद हो जहां से मुख्तार अहमद ने मुझे तुम्हारे बाप को बेइज्जत करके निकाला था। सिर्फ इस बात पर कि मैंने तुम्हारी मां का साथ दिया था, उसका सहारा बना था। सालों इस खानदान की खिदमत की थी मैंने, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी मां को सहारा देने की बहुत बड़ी सजा दी गई है मुझे। अब तुम्हें मुख्तार अहमद से हर उस तकलीफ का बदला लेना है जो उसने मुझे, तुम्हारी मां को और तुम्हें पहुंचाई। डैड, आप बेफिक्र रहें, इस ऑफिस की कुर्सी पे मैं आपको जरूर बिठाऊंगी। ये आपके बेटे का आपसे बात है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दैट्स लाइक माय गर्ल, मेरी जंगली बिल्ली। आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। अपनी माँ को बताया कि तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं, अगर मैंने उन्हें ये बता दिया ना तो उन्हें इससे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जस्ट लीव इट। तुम अपना कैमरा ऑफ करो, मैं तुम्हारी माँ को लाइन पे लेता हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल। खैरियत है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल की नौबत कहाँ से आ गई? कहाँ है तुम्हारी शहजादी? मुझे तो कुछ बताती नहीं। होल्ड डाउन, हर वक्त इतना गुस्से में हाइपर क्यों रहती? तुम्हारी शहजादी वही है जहां उसे होना चाहिए था। परीक्षा, अपना कैमरा ऑन करो।
ये तो मुख्तार भाई का ऑफिस है। यू आर राइट, ये मुख्तार का ऑफिस है और आज से वरीशा ने मुख्तार का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। क्या सच कह रहे हो तुम? वरीशा, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं। ये सब कब और कैसे हुआ वरीशा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी बस। वरीशा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब तो खुश हो ना तुम? खुश नहीं, बहुत 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 खुश। कौन बहुत बहुत खुश है? अहो, क्या हुआ? ऑल सेट? किससे बात हो? वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स की कॉल थी। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया ना कि मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सो दे आर आस्किंग फॉर अ पार्टी। तो बस वो पार्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा था। नॉट अ बैड आइडिया। बेटा, खुशियां गैरों से पहले अपनों के साथ शेयर करते हैं। क्यों? अभी बीजान को नहीं पता कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर जाओ, पहले उनको बताओ, उनकी दुआएं लो, फिर गैरों को भी बता देना और ट्रीट भी दे देना। जी जी। मैं वापस इसलिए आया था, मैंने सोचा कि मैं इस मीटिंग में तुम्हें भी साथ लेकर चलूं। जी चले। Yeah, ये बॉस के साथ जो खातून थी, क्या आप उन्हें जानते हैं? जी जी, ये मुख्तार साहब की भतीजी हैं, वरीशा मैडम। इन्होंने आज से ही ये ऑफिस और मुख्तार साहब का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। और यूं समझ लीजिए, आपके बॉस वहाद साहब की जगह अब यही मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेंगे। थैंक यू। भाभी, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूं मैं। अगर आप परेशान नहीं है तो मेरे बार बार पूछने पे भी क्यों नहीं बता रही कि रात के खाने में क्या बनाऊं? अब तो साहब भी आ रहे होंगे। आज ना मेरा कुछ भी सोचने को दिल नहीं जा रहा।
इतने सालों से इस घर में रहती हो, जाओ कुछ भी बना लो अपनी मर्जी का। क्यों कुछ भी बना लो, आज तो बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज तो बड़ी सी दावत होनी चाहिए। दावत? कैसी दावत छोटी भाभी? बिल्कुल वैसी ही दावत जैसे तुम्हारे वहाद साहब के बिजनेस ज्वाइन करने पर हुई होगी। वैसे मैं तो यहाँ नहीं थी, लेकिन उस वक्त तो बहुत बड़ी दावत हुई होगी ना। छेला तुमने तो देखी होगी ना। वो तो छोटी भाभी बहुत बड़े होटल में हुई थी। और पता है भाभी, भाई सब कितने स्मार्ट लग रहे थे उस दिन। भाई साहब तो कॉलेज में थे तभी बिजनेस में आ गए थे, और बड़े साहब भी कितने खुश थे उस दिन। तुम्हारे बड़े साहब तो अब भी बहुत खुश हैं। अब तुम जाओ और खूब से खूब बड़ी दावत का इंतजाम करो, क्योंकि आज मेरी बेटी रजा अहमद की बेटी ने बिजनेस में कदम रखा है। और तुम फिक्र ना करो शैला, वहाद साहब से बहुत बड़ी दावत होगी। जाओ तुम एहतमाम करो। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको, जलन सी हो रही होगी कि वरीशा कैसे बिजनेस में शामिल हो गई, जहां अब तक आपके बेटे और मियां का राज था, तो वो वरीशा का राज कैसे हो गया? इस बार तो भाभी जी आपकी सारी साजिशें ना फुस निकली। बेटा भी हाथ से गया, मियां ने भी घास नहीं डाला, और बिजनेस से भी हाथ धो बैठी। मैक, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूं, तो चलो तुम्हें खुश करने के लिए कह देती हूँ कि वाकई मैं डर गई। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी बातों से खौफ नहीं आता, अफसोस होता है। ऊपर बैठे अल्लाह को भूल करना, तुम नीचे जमीन पर चलते हुए इंसानों के साथ खेल खेलते खेलते भूल चुकी हो कि नुकसान तुमने ही उठाना है। वरना कोई सगी माँ अपनी बेटी को उसके सौतेले बाप के आगे खिलौना बनने नहीं देती। मैं ये दवाएं चाहती ना तो मुख्तार के सामने रख देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कोई ना कोई कहानी सुनाकर उनका इत्माद जीत लोगी। इसलिए मैं चुप रही, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, और इस भरोसे के बायस मैं चुप हूं। ये नकाब वक्त आने पर खुद वरीशा तुम्हारे चेहरे पर से उतारेगी। क्योंकि वो रजा अहमद की बेटी है। रजा अहमद जो एक बावफा शौहर और एक बहुत मोहब्बत करने वाला बाप था। उसकी बेटी धोखा कैसे दे सकती है, क्योंकि रजा अहमद की मिट्टी में तो धोखा था ही।
जो खेल तुम और महमूद खेल रहे हो ना, उसे शुरू तो तुम लोगों ने किया, लेकिन खत्म रजा अहमद की बेटी वरीशा अहमद ही करेगी। शैला, 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 कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। मैं वरीशा के फेवरेट रेस्टोरेंट से ना खाना ऑर्डर करूंगी, क्योंकि वाकई दिन तो बहुत बड़ा है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना मैं।